नाउ आई एक्सप्लेन यू ऑल वन थिंग. अगर आप लोगों ने नोटिस किया तो ये निफ्टी का ऑप्शन चेन है जो मैं आपको इसमें से दिखा रही हूं. बिल्कुल क्लियर है और मैं क्लियरली ही आपको इसमें दिखाई दिखा देती हूँ कि हम कैसे देखते हैं. 25,500 वॉज हाईएस्ट कॉल ओपन इंटरेस्ट. ये हाईएस्ट कॉल ओपन इंटरेस्ट जो होता है ये आपको एक आइडिया देता है कि यहाँ पे काफी लोग खड़े हैं, तो इसको क्रॉस करना इज नॉट सो इजी अनलेस एंड अंटिल यू सी अनवाइंडिंग ओवर योर. अगर यहाँ पे मुझे अनवाइंडिंग मिलती तो मैं भागती, लेकिन मुझे यहाँ पे अनवाइंडिंग नहीं मिली और यहाँ पे कंटिन्यू एडिशन मिल रहे थे. और जब ये यहाँ से आप देखेंगे इसी के पास में से जब ये रिवर्स हुआ, दूसरा एक और चीज जो मुझे देखने मिली, मुझे पुट में कहीं पे भी एडिशंस नहीं मिल रहे थे इन लाइव मार्केट. इतने बड़े एडिशंस नहीं मिल रहे थे. मुझे जो एडिशंस मिल रहे थे और मुझे जो हाईएस्ट मिल रहा था दैट वाज अराउंड 25,300. सो इन टुडे सेशन इन द मॉर्निंग आई डोंट नो इफ समवन एनीवन इज प्रेजेंट हियर फ्रॉम टुडे सेशन, आई हैड सेड दैट मार्केट 25,300 के आसपास जाकर वापस पलट सकता है, लेकिन हो सकता है 25,300 और 25,500 के बीच में ही घूमता रहे. ना आज ये इसके नीचे जाने का चांस नहीं दिख रहा था, इसके नीचे नहीं दिख रहा था. दिखता कब, जब यहां पर ओपन इंटरेस्ट कम होना शुरू हो जाता अच्छा खासा बड़ा क्वांटिटी में और बिल्टअप होता था. सो इफ यू कैन सी देयर इज अ कुछ इतना कुछ कम नहीं हुआ है, इट्स अ नॉर्मल थिंग. और यहाँ पर भी ओपन इंटरेस्ट जो था वो एडिशन ही हुआ है, रिडक्शन नहीं हुआ है. सेम चीज अगर हम बैंक निफ्टी में भी देखें. अच्छा पहले मैं इसके साथ में इसका चार्ट भी आपको दिखा देती हूँ. ये निफ्टी का जो एक है इंडेक्स, सॉरी निफ्टी का ये जो है चार्ट, इसके साथ आप देखेंगे मैंने 5 EMA का बैंड लगाया हुआ है. और यहां पर इसने बैंड के पास में ही रिवर्स लिया है. देखिए बैंड से यहां से नीचे देखेंगे तो क्लोज किया है. ये क्लोज होने के बाद कहां पर हुआ है ये क्लोज, कौन सी एरिया के पास से घूमा है, अगर देखें तो ये 25,500 के पास में से ही घूमा है, राइट? तो ये जो था, यस सौरभ वाज देयर इन टुडेज लाइव सेशन, सो ही आल्सो नोज दैट दिस इज व्हाट वी डिड एंड दैट इज व्हाई यहाँ पे आके हम लोग इस बात को देखते हैं कि यहाँ पे 25,000 पे हमको एडिशंस मिल रहे थे, कॉल में रिडक्शंस नहीं मिल रहे थे. प्लस जो 5 EMA बैंड था वो हमको ऊपर बंद तो दे रहा था. अगर आप देखो यहाँ पर एक रेजिस्टेंस देने के बाद, अब यहाँ पर अगर ये मुझे बाय सिग्नल देता है 25,500 के पास में, तो फ्रेंड्स मुझे मुझे भी ये सोचना पड़ता है कि 25,500 के पहले अगर या एकदम पास में ये मुझे बैंड अगर मुझे बाइंग सिग्नल दे रहा है तो हाउ फ्रूटफुल इट इज टू गो फॉर अ बाय सिग्नल. व्हाई? बिकॉज 25,500 में कुछ भी गामा ब्लास्टिंग जैसी चीज हो ही नहीं रही थी, कोई अनवाइंडिंग भी नहीं हो रहा था, ऐसा लग ही नहीं रहा था. इट वॉज एज इफ राइटर्स वर फुल्ली कॉन्फिडेंट कि भाई आज तो 25,500 क्रॉस मुश्किल है करना. तो फिर बाद में वापस जो प्राइस आया और वापस वहीं पे टॉप बना दिया, और फिर जो इसने यहाँ पे लो पे क्लोज किया बैंड के नीचे और फिर बैंड का लो तोड़ा,
इसके बाद जो मूवमेंट आई है, कैन यू सी दिस, इट मेड अ राउंडिंग बॉटम, पहला ये, उसके भी पहले एक छोटा सा राउंडिंग बॉटम यहां भी बना के गया है। आप भी ज्योति मैम से सीख के स्विंग, इंट्राडे और ऑप्शंस तीनों में अच्छे प्रॉफिट्स बनाना चाहते हो तो आपको upsurge.club पे उनका लाइव मेंटोरशिप प्रोग्राम जरूर चेकआउट करना चाहिए। इस प्रोग्राम में आपको मार्केट एनालाइज करना, स्टॉक ढूंढना और अपने ट्रेड्स को सही तरीके से मैनेज करना सब एक बहुत प्रैक्टिकल वे में सीखने को मिलेगा, क्योंकि स्ट्रेटजी के साथ साथ आपको लाइव मार्केट में ज्योति मैम से गाइडेंस भी मिलेगा। इन सारी टेक्निक्स को कंसिस्टेंटली अप्लाई करके आप भी एक प्रॉफिटेबल और इंडिपेंडेंट ट्रेडर बन सकते हो। 500 से भी ज्यादा लोग अपनी प्रॉफिटेबिलिटी की जर्नी शुरू कर चुके हैं, सो आज ही इस मेंटोरशिप प्रोग्राम के नेक्स्ट बैच में एनरोल करो, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और द वे इट मूव्ड पूरा का पूरा बैंड के नीचे, अगर मैं यहाँ पे ट्रेड लेती हूँ, ये अगर आप देखोगे बैंड के नीचे बंद हुआ है, ये बैंड का लो है यहाँ पर 25465। आप कोऑर्डिनेट्स यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स देखिए 25465.90 और लो है 25463.90। अब यहाँ पे इसके नीचे बंद होने के बाद इसका लो जब ये तोड़ेगा तब मैं शॉर्ट करूंगी। और ये कौन सा लेवल है शॉर्ट करने का, ये लेटर से ये वाला लेवल है शॉर्ट करने का। और मेरा स्टॉप लॉस क्या रहेगा, डे हाई से थोड़ा सा ऊपर ले लेती हूँ, ओके, रफली अराउंड 50 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस है। 50 पॉइंट्स के स्टॉप लॉस के साथ में अगर मैं चलती हूँ तो ये 50 पॉइंट्स मुझे यहीं पे इसने कवरेज दे दिया। जब मेरा 50 पॉइंट्स मिल जाता है मुझे, मैं 50% अपना प्रॉफिट बुक कर लेती हूँ। रीजन, मुझे अपना स्टॉप लॉस कवरेज जो है वो कवर करना है। ये मेरा हिट एंड गो इन सिस्टम रहता है। मुझे 50% मिल गया, मैं अब स्टॉप लॉस के टेंशन से बाहर आ गई। नाउ आई कैन होल्ड माई पोजिशन टिल आइदर इट क्लोजेस अबाउट द बैंड और इट हिट्स माई स्टॉप लॉस, ओके। अभी यहां पर आई डिलीट ऑल द लाइन्स अगेन। अब क्या हुआ, ये मेरा प्रीवियस स्टॉप लॉस था, वो मैं रखूंगी। जैसे ही मुझे ये स्विंग हाई मिला, मैं आपको इस यहां से इसलिए कट करके दिखा रही हूँ, ये स्विंग हाई मुझे यहाँ पे मिला, क्लोज नहीं हुआ, स्विंग हाई मिला, तो मैं अपना स्टॉप हिट एंड गो इधर ट्रेल कर दूंगी। अब अगर हिट एंड गो होता है तो भी मुझे कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि मुझे लॉस होगा ही नहीं। और अगर ये यहाँ पे जैसे क्लोज हो गया, क्लोज हो गया, तो आई एम आउट ऑफ वायर। अगर मैं यहाँ पे आउट भी होती हूँ सपोज कहीं पे भी, तो भी मेरे घर में अप्रोक्सीमेटली इतने पैसे आ गए। दिस इज हाउ, मतलब लेट अस से 70 पॉइंट्स, तो 70 एंड 50 तो रफली अराउंड अबाउट 60 पॉइंट्स घर में आ जाते हैं। इन ये स्पॉट प्राइस है, इसके हिसाब से मैं ऑप्शंस है, फ्यूचर्स, ऑप्शंस भी ट्रेड करती हूँ, फ्यूचर्स भी ट्रेड करती हूँ। सब पूरा मेरा बेस जो रहता है वो ये रहता है, इसके अंदर मैं ऑप्शंस यूज कर लेती हूँ और आराम से अपना काम हो जाता है। साथ में मैंने क्या मिक्स किया, क्या मिक्स किया फ्रेंड्स, एंड सी हाउ ब्यूटीफुल इट इज वर्किंग। 25,500 का हाईएस्ट कॉल ओपन इंटरेस्ट एंड मेरा ये 25,300 का हाईएस्ट पुट ओपन इंटरेस्ट। कैन यू सी हाउ ब्यूटीफुली मार्केट हैज बिहेव्ड इन दैट? कैन यू, इट हैज बिहेव्ड सो ब्यूटीफुली। एंड बेस्ड ऑन दैट आप इसके अंदर ऑप्शंस का भी चार्ट लगा सकते हैं। आई निफ्टी 25,400 एंड 26 सितंबर पुट, सी द सेम मूवमेंट, यू कैन सी इट हैज गिवन दिस स्मॉल राउंडिंग बॉटम एंड इसके अंदर का एसएल। आई डोंट हैव टू टेल यू ऑल और प्रूव एनीथिंग टू एनीवन। वॉट आई डू
इज व्हाट आई टीच यू ऑल आई डू. आप लोग भी इसको करिए एंड इफ यू ऑल कैन डू. ये देखिए आई ट्रेड इन इवन लॉट्स. 25 रुपीज का मेरा एसएल था, 25 रुपीज ऊपर 50% की बुकिंग हो गई और उसके बाद उसी हिसाब से इसने भी बिहेव किया. और लेटर से यहाँ पे मेरा हिट एंड गो हो गया, खत्म. यहाँ पे क्लोज हुआ, यहाँ खत्म. तो भी मेरे घर में पैसा आया ही होगा ना, गया तो नहीं है ना. 175 का 200 में बिका और 213 में बिका, मतलब वही चीज हुई, करीब 205 या 206 में बिका. अगर 30 रुपया मुझे यहाँ पे आता है, 70 रुपया मुझे अगर स्पॉट दिखाई दे रहा है, तो ये भी अगर 30 रुपया दिखाई दे रहा है तो इसमें क्या बुरा है. और ये हमने लाइव मार्केट में ट्रेड लिया था. वेदर यू बिलीव यू डोंट बिलीव, देर आर ऑल टाइप ऑफ पार्टिसिपेंट्स वी हैव. आई डोंट माइंड आइदर वेज. सो दिस इज द ट्रेड आई एग्जीक्यूट इन माई लाइव क्लासेस. तो जो था वो मैं आपको बता रही हूँ. दिस इज द वे आई टुक. और यही चीज जो है, लास्ट टाइम भी मैंने आप लोग को बताया था निफ्टी के अंदर, कि हाईएस्ट कॉल ओपन इंटरेस्ट के में से जो अनवाइंडिंग हुई थी, ये जो अनवाइंडिंग हुई थी, उस अनवाइंडिंग के वजह से जो फटा था, गामा ब्लास्ट हुआ था और ऑप्शंस भागे थे और स्पॉट भागा था, वो भी इसमें आपको दिखाई दे सकता है. दैट इज व्हाट यू कैन सी. वैसे ही आज बैंक निफ्टी का भी आपको दिखाते हैं. इफ यू ऑल सी, एक चीज नोटिस करिए, हमेशा जैसे 52,000, 52,500, 53,000, ऐसे 500-500 के पॉइंट्स पे आपको कॉल के ओपन इंटरेस्ट दिखेंगे. तो जब मॉर्निंग से स्टार्ट हुआ तो आपने देखा होगा 52,500 पे हाईएस्ट कॉल ओपन इंटरेस्ट खड़ा था. वो जो हाईएस्ट कॉल ओपन इंटरेस्ट खड़ा था, उसकी जब अनवाइंडिंग स्टार्ट हुई तो आप खुद देखिए क्या उसकी पोजीशन थी. एंड अगर आप ये देखो 52,003 का ये कॉल, ये देखिए 385, अगर इसको आपने मॉर्निंग में देखा होता 52,300, 52,100 एंड ऑल दीज कॉल्स अगर आपने देखा होता सुबह, देवर अवेलेबल इन द मॉर्निंग एट डर्ट चीप प्राइसेस. आप चाहो तो मैं इसका आपको ऑप्शन का दिखा सकती हूँ फॉर टुडे ऑल्सो. बैंक निफ्टी 52,000 टू लेट्स से 500 ही लेते हैं ना, 52,500 कॉल 18 सितंबर. ये देखिए क्या प्राइसेस में अवेलेबल थे और क्या मूव हुए हैं. 52,500 जो प्राइस में अवेलेबल थे, क्यों? बिकॉज 52,500 के अंदर यहाँ पे भी मूवमेंट आया और सबसे बड़ी बात यहाँ पे हाईएस्ट जो ओपन इंटरेस्ट खड़ा था उसमें भी अनवाइंडिंग चालू हुई. प्लस आप साथ में देख सकते हो 52,500 में ओपन इंटरेस्ट का बिल्टअप कितना हो रहा हो गया शाम तक पे. और उसके बाद जो प्राइस और भी भागा है, नीचे आया है, पूरा अप एंड डाउन आप कैप्चर नहीं कर सकते हो. मैं तो उतने में भी खुश हूँ कि भाई मैं यहां तक भी कैप्चर कर लेती हूँ ना तो आई एम हैप्पी. मैं यहां तक भी अगर कैप्चर कर लेती हूँ तो आई एम हैप्पी. दैट्स व्हाट आई से टू एवरीवन, बिकॉज ये मूवमेंट पकड़ना इज नॉट सो इजी. लास्ट टाइम तो मैंने स्क्रीनशॉट्स भी लिए थे एक-एक लाइव मार्केट के अंदर, जब जब ट्रेड लिया था यहाँ पे से स्क्रीनशॉट लिया था, चार्ट का स्क्रीनशॉट लिया था, ट्रेड का नहीं. दूसरा आज हमने एक और स्टॉक पकड़ा था,
हमने एक और स्टॉक पकड़ा था, मदरसन। जस्ट अ सेकेंड। मदरसन सुमी हमने पकड़ा था, और इसको हमने डेली के हिसाब से अगर हम देखें तो अंडर नॉर्मल सिनेरियोस ये हमारा चार्ट था। मंथली आरएसआई अबाउ 70, वीकली आरएसआई अबाउ 70, डेली आरएसआई में ब्रेकआउट। इफ यू कैन सी, इसके बेस पे हमने आज मदरसन सुमी का लाइव मार्केट में कॉल उठाया था, और लाइव मार्केट में ही 210 का कॉल उठाया था, वो भी आपको बता दूं, 1.65 में उठाया था, एंड 50% हमने हमारा स्टॉप लॉस के हिसाब से निकाल दिया, बाकी का आते आते मैंने निकाल दिया 2.10 में। हाई इसने 4 मारा था, लेकिन ये देखो किसी को पता नहीं चलता है कि कितना, लेकिन हम लोगों ने जब स्टॉप लॉस कवर कर लिया तो अब हमारा ट्रेड स्टॉप लॉस हमारे साथ में अभी ठीक है, जैसा चल रहा है चलने दो। लास्ट में 320 हमारा इंट्राडे है। इंट्राडे का रूल ये है कि इंट्राडे के लिए लिया है ना, इट शुड बी आउट फॉर इंट्राडे, वी विल नॉट कैरी फॉरवर्ड इट फॉर द नेक्स्ट डे, दैट इज एज सिंपल एज दैट, द रूल ऑफ इंट्राडे। तो मेरे इंट्राडे के रूल्स इतने टफ हैं, इतने टफ हैं कि कभी कभी सभी लोग हिल जाते हैं कि इतना टफ कैसे कर सकते हैं। मतलब इंट्राडे है तो इंट्राडे में कट होना है तो होना ही है, भले ही अगर आपको प्रॉफिट दिख रहा है, अगर आपने इंट्राडे के हिसाब से लिया है ना तो इंट्राडे रखो, अगर आपने पोजिशनल के हिसाब से लिया तो पोजिशनल रखो, लेकिन इंट्राडे के हिसाब से लिया है तो यू कांट कैरी होम। यू हैव टू डिसाइड वॉट ट्रेड यू आर टेकिंग, इफ यू आर टेकिंग पोजिशनल यू कैन कैरी होम, बट स्टॉप लॉस, तो मेरा हमेशा ऐसा रूल रहता है मैं इवन लॉट्स में ट्रेड करती हूँ, और 50% मेरी बुकिंग उतने में हो जाती है जहां पे मेरा स्टॉप लॉस कवर होता है, जिससे क्या है कि हिट एंड गो का स्टॉप लॉस का मुझे कभी कोई टेंशन नहीं रहता है, जो होगा देखेंगे। ऐसा नहीं है कि मैं 100 टाइम्स या 100% मेरी स्ट्रैटेजी वर्क करती है या आई एम राइट 100%। मेरा 60% का स्ट्राइक रेट आता है, वो 60% में मैं बहुत खुश हूँ। मेरा ये भी गारंटी नहीं होता कि हर मंथ प्रॉफिट में जाएगा, लेकिन अगर लॉस होता है तो इतना मिनिमम होता है कि इट इज टॉलरेबल। यस्टरडे आई हैड अ लॉस एंड स्टूडेंट्स नो मी, द लॉस वाज ओनली इन 3 फिगर्स आफ्टर फुल डे ऑफ ट्रेडिंग, मतलब सब में लॉस नहीं हुआ, किसी में प्रॉफिट हुआ किसी में लॉस हुआ, सिर्फ 3 फिगर्स के लॉस में से मैं निकल गई, दैट वाज अ बिग डे फॉर मी कि भाई चलो आज का दिन लॉस का था, चलो लॉस में हो गया, दैट विल बी काउंटेड एज अ लॉस का डे, बट नॉट दैट वे कि मतलब मैं पूरे 1 महीने की इनकम एक ही दिन में दे रही हूँ या पूरे 1 साल की इनकम एक ही दिन में दे रही हूँ, नॉट दैट टाइप ऑफ लॉस, इतना कि मेरी पॉकेट को कोई तकलीफ नहीं है या मेरा बैंक बैलेंस को पता भी नहीं चले, दैट टाइप ऑफ ट्रेड्स आई टेक एंड आई प्रिफर टू टेक, आई प्रिफर टू ट्रेड विद इन माई लिमिट्स एवरीथिंग, और वो लिमिट्स जो है दैट इज सेट, मतलब इतना रुपए से ऊपर का ट्रेड नहीं लेना है तो नहीं लेना है, चाहे कितना भी श्योर शॉट ट्रेड लगे। आज जैसे ये लग रहा था कि मार्केट में कोई खास मूवमेंट नहीं है, साइडवेज तक रह सकता है या मजा नहीं आएगा, तो आज कम क्वांटिटी में काम किया, लेकिन कल भी ऐसा ही था, तो क्वांटिटी हमने इतनी छोटी रखी कि बस जिसको कहते हैं ना खुजली ट्रेड, ये खुजली ट्रेडिंग करने की खुजली जाती नहीं है, तो इसलिए छोटा छोटा ट्रेड कर लिया कि हाँ चलो अगर चला भी गया कुछ तो इट्स ओके, तो उतना ही किया है कि मतलब दैट इज वॉट वी शुड बी वेरी वेरी रिजिड वाइल्ड ट्रेडिंग विद आर डिसिप्लिन। और मैं सबसे यही कहती हूँ, आपको जो डिसिप्लिन बनाना है ना बनाओ, आप अपने सेट ऑफ रूल्स की लिस्ट खुद बनाओ, आपको क्या करना है आप अपने रूल्स बनाओ, बट बाद में वो रूल्स को डाई हार्ड रूल्स बना के फॉलो करो, इतना स्ट्रिक्ट कि मतलब उसको कोई तोड़ ही नहीं सकता, वैसे वाले रूल्स बनाओगे तो आप
लॉन्ग लास्टिंग तक सरवाइव कर जाओगे। सो वी हैव एनी क्वेश्चन? यस मैम, थोड़े से क्वेश्चंस हमारे पास कि जो हाँ, आज का जो सडन मूव था बैंक निफ्टी में, उसका क्या रीजन था? बताया ना मैंने, मैंने जैसे ऑलरेडी हाँ बैंक निफ्टी का पूरा एक्सप्लेन किया ना, और उसके साथ पुट का चार्ट भी दिखाया ना कि ओपन इंटरेस्ट मूव का सट, देखिए मूव का, फेड का मूव, एफओएमसी का, आपका जो भी है दैट विल बी इन द इवनिंग, बट जो मूव आया, आप देखिए कभी भी एक्सपायरी डे पे या एक्सपायरी डे के एक दिन पहले जनरली आपने ये मूव्स देखे हैं आइदर निफ्टी में या बैंक निफ्टी में। तो उसके लिए मैंने बताया है कि हाईएस्ट कॉल ओपन और हाईएस्ट पुट ओपन इंटरेस्ट पे नजर रखो कि उसमें अनवाइंडिंग हो रही है कि एडिशंस हो रही है। उसी लेवल के पास से अगर वो घूम रहा है और एडिंग हो रही है उस हाईएस्ट कॉल या हाईएस्ट पुट में, तो दैट कैन हेल्प यू अलॉट। आप देखो तो सही, उसको लाइव मार्केट में प्रैक्टिस तो करो, मैं ट्रेड करने की बात नहीं कर रही हूं, पहले प्रैक्टिस करो, दो चार पांच 10 15 20 हफ्ते प्रैक्टिस करो, उसके बाद ट्रेडिंग के लिए लाइफ पड़ी है। ऐसा नहीं है कि हम आज देखें और आज के इसमें ही ट्रेड ले लें, ऐसा नहीं करना है। गॉट इट मैम। मैम और भी क्वेश्चंस हैं, मैं बताता हूँ आपको। मैम एक तो ये है कि ये क्या जो आपने स्ट्रेटेजी बताया वो सभी इंडेक्स में काम करेगा? ये इंडेक्स में देखिए, मैं बैंक निफ्टी निफ्टी की बात कर सकती हूँ, फिन निफ्टी मिड कैप निफ्टी की मैं बात इसलिए नहीं करूंगी क्योंकि इसमें मेजर पार्ट ऑफ लिक्विडिटी जो है ना वो एक्सपायरी डे पे आती है, पर मैं सेम डे एक्सपायरी 0 DTE में ट्रेड नहीं करती। तो जो मैम चीज एक मैं और नहीं करती वो मैं नहीं समझा सकती, आई एम मैम वेरी सॉरी प्रशांत फॉर दैट। प्रशांत का क्वेश्चन है कि मैम कैन यू प्लीज गाइड अस दैट ओपन इंटरेस्ट व्हाट इज बेस्ट टाइम दैट इट इंक्रीजेस और डिक्रीजेस? आई कीप ऑन चेकिंग आफ्टर 9:30। नाइन मेरा वैसे भी 9 से 15 से चालू रहता है, लेकिन 9:30 के बाद मेरा एक स्क्रीन पे ओपन इंटरेस्ट ही चालू रहता है, मैं उस पर कंटिन्यू रखती हूँ और हर 5 10 15 मिनट में उसको चेक करती हूँ। अभी आप कहोगे कि मैं नहीं कर सकता, तो भाई अगर मुझे जिस चीज से पैसा कमाना है उस पर नजर तो रखनी पड़ेगी। अगर जिस चीज से मुझे, अगर मेरे पास टाइम नहीं है तो फिर मैं उस पर नजर नहीं रख सकती, नजर नहीं रख सकती तो कमा नहीं सकती, सिंपल है। अपना गॉट बिजनेस है, ध्यान तो अपने को ही देना पड़ेगा, नजर तो अपने को ही रखनी पड़ेगी अपने बिजनेस पे। मैम, इसी से एक जुड़ा हुआ डाउट और था कि कभी कभी लाइक हमने कहीं पढ़ा है कि एनएससी का जो डेटा थोड़ा डिलेड रहता है एंड जो तीन ब्रोकर्स का मिनट में दोनों अपडेट अलग हो दिखता तीन है। देखिए 3 मिनट में अपडेट होता है, और अगर आप देखो तो बहुत सारे ब्रोकर्स आजकल आपको ऑप्शन चेन दे रहे हैं, बहुत सारे ब्रोकर्स आपको ऑप्शन चेन दे रहे हैं, राइट? आप उनको फॉलो कर लीजिए अगर आपको ये डिलेड लग रहा है, तो आपके ब्रोकर की ऑप्शन चेन फॉलो कर लीजिए मैक्सिमम सबके। मैं धन का ऐप यूज करती हूँ या समझो क्वांट्स ऐप यूज करती हूँ, तो वो अपडेट रहता है कंटिन्यू, दैट्स व्हाट, वो गॉट वाला इट मैम। यूज करो। और उसमें तो आपको डेल्टा गामा थीटा वेगा ये सब ग्रीक्स भी आएंगे, जिससे क्या है कि आपको ये भी पता चलेगा कि आपका अंडरलाइंग अगर इतना मूव करेगा तो ऑप्शन कितना मूव कर सकता है, वो भी आपको साथ साथ में मिल जाएगा, यू कैन टेक द बेनिफिट ऑफ दैट। गॉट इट मैम। मैम एक स्वास्थ्य का क्वेश्चन है कि स्विमिंग मोटो केमिकल्स ले जाते हैं बेस्ड ऑन आरएसआई, स्टिल आरएसआई इज ग्रेटर देन 17 वीकली एंड मंथली बट डेल इज नॉट परफॉर्मिंग गुड, व्हाट आर योर व्यूज ऑन आई दिस? एम नॉट कम बैक अगेन। मैम सुमिमोटो केमिकल्स ले जाता बेस्ड ऑन आरएसआई, स्टिल आरएसआई इज मी ग्रेटर टू, देन, हाँ हाँ तो
आरएसआई वीकली वीकली एंड मंथली में 70 अबव है, बट इन डेली इट इज बराबर नॉट है, परफॉर्मिंग गुड। मल्टी ईयर ब्रेकआउट भी है, तो डेली इज नॉट परफॉर्मिंग मींस आपने कब लिया उसके ऊपर डिपेंड करता है ना। वीकली 70 के ऊपर है, तो आपने अगर अभी जाके 600 के ऊपर लिया होगा तो आपको लगता होगा इट्स नॉट परफॉर्मिंग, राइट। अच्छा अगर आप यहाँ पे देखो तो देखो ब्रेकआउट वगैरह सब साथ में है इसके पास। अगर आप यहाँ नहीं, यहाँ भी लिए तो अभी तक उसके ऊपर ही है, एसएल तो हिट हुआ भी नहीं है। और अगर देखा जाए तो उसी दिन में उसने 14-15% परफॉर्म किया है। अगर आपने टॉप पे लिया होगा तो मैं कुछ नहीं कर सकती, लेकिन अगर आपने ब्रेकआउट पे, ये वाला ब्रेकआउट पे भी लिया होगा 568 या 580 पे भी, तो सेम डे उसने 628 मारा था, और अभी भी उसके ऊपर ही अगर आपने उसके पास लिया है तो। मैंने मैम नोट किया है कि 598 पे लिया था। हाँ, तो वही बोल रही हूँ ना, 600 के आप अगर एकदम भाग, देखो ऐसा है, इसका मतलब आपने एक जो काफी भाग गया एक ही दिन, 14% करीब भाग गया, आपने जाके टॉप में उसे ले लिया, तो क्या किया जा सकता है बताइए। मैं बार बार कहती हूँ कि छूट गया छोड़ दो छोड़ दो, उसके पीछे मत भागो, क्या करो। वो क्या होता है ना, हमारा एक वो रहता है कि मतलब एक कहावत है गुजराती में, बद्दा ले गया हमें रह गया, मतलब सबने कमा लिया हम ही रह गए, तो चलो अभी हम भी थोड़ा इसी में से ही कमा लेते हैं। अरे भाई ऐसा कोई और स्टॉक ढूंढ लो ना। समझ गया मैम। मैम इसी पे किसी कुणाल बख्शी करके उनका क्वेश्चन है कि प्लीज टेल हाउ टू कंट्रोल सेंटिमेंट्स। देखो मैंने क्या कहा माय फ्रेंड कि आप है जो भी है, आप एक रूल बना लो, सेंटिमेंट्स कंट्रोल करने का एक रूल होता है। आप अपने घर के लिए जैसे रूल्स बना रखे हो या आपके घर के लिए जैसे रूल्स बने हुए हैं, वैसे ही रूल्स आप मार्केट के लिए अपने हिसाब से अपनी लिस्ट बना के रख, और उसके बाद आपने जैसे घर में सबको एकदम स्ट्रिक्टनेस दे रखी है कि कोई लिबर्टी नहीं है कि ये नहीं कर सकते, ये कर सकते हो नहीं, ऐसा नहीं कर सकते, ये अपने रूल में नहीं है, ये अपने घर के संस्कार में नहीं है, व्हाटएवर व्हाटएवर व्हाटएवर, सबके अपने अपने रूल्स है, हर घर के अपने रूल्स है, सब जगह सब कुछ नहीं है, सेम नहीं होता, किसी के यहाँ अलग रूल है तो किसी के यहाँ अलग रूल है, सबके घर के रूल सेम नहीं होते। वैसे ही मार्केट में भी हर आदमी का रूल सेम डिफाइंड नहीं होता, आप अपने रूल्स खुद बनाओ, और वो रूल्स को एक बार लिखो, 10 बार लिखो, 50 बार लिखो, 100 बार लिखो, जितनी बार गलती होती है 100 बार लिखो, और अगर गलती होती है अपने आप को पेनलाइज करो कि आप 3 दिन मार्केट के सामने बैठोगे और ट्रेड नहीं करोगे। मार्केट के सामने बैठोगे, स्टडी करोगे, अच्छे अच्छे ट्रेड्स देखोगे, लेकिन ट्रेड नहीं करोगे। जब 1-2 दिन 3 दिन आप अपने आप को पनिश करोगे ना, तो अपने आप सारे फोमो निकल जाएंगे। गॉट इट मैम। वो आपको अपने साथ ही एकदम कड़क होना पड़ेगा, एज इफ मतलब ये आपका बिजनेस है मेरे भाई, हाउ कैन यू हैव सो मच इमोशंस। बिजनेस में कौन इमोशन लाता है मुझे बताइए। आपका अगर एक शॉप है तो आपके फ्रेंड्स लोग आते हैं, आप उनको बिंदास बोलते हैं हम लोग लेके जा रहे हैं, आप दे दोगे, ज्यादा से ज्यादा आप एमआरपी पे दे दोगे, बस इससे ज्यादा तो नहीं है ना। नहीं ये तो नहीं है कि उसको फ्री में पकड़ा दोगे, हाँ तुमको जो लेके जाना है लेके जाओ, राइट। बिल्कुल नहीं। तो फिर इसी तरह से यहाँ के भी कुछ रूल्स है, आपको मैं अभी जो बताई वो रूल्स, अच्छा मैं बोलती हूँ आप किसी की मत फॉलो करो, आप अपने रूल्स बना लो, मैं 10% लगाऊंगा, मेरा स्टॉप लॉस इतने पे होगा, मेरा टारगेट इतने पे होगा, आप अपने हिसाब से रूल्स बनाओ, उसको फॉलो करके देखो, बस उसमें चीटिंग मत करना अपने बनाए हुए रूल्स पे कि आज आज थोड़ा थोड़ा चलेगा, आज आज थोड़ा चल रहा है, आज आज वो मत कर, फिर कोई मीनिंग नहीं आपका रूल बनाने का। गॉट इट मैम। मैम गगन का क्वेश्चन है कि हाउ टू स्टडी अनवाइंडिंग लॉन्ग बिल्डअप एंड शॉर्ट कवरेज इन ओपन इंटरेस्ट डेटा। तो मैं मेंशन कर दूं, इस पे मैम ने वीडियो बनाया हुआ मैंने ऑलरेडी ऑलरेडी है। वीडियो बनाया है,
वो वीडियो का लिंक डाल दो, ठीक है, हाँ आप वो आप टाइप करो ओपन तो। इंटरेस्ट, ज्योति विद्या करके गूगल करिए, आपको मेरा बनाया हुआ वीडियो मिल जाएगा, आप उसे देखिए। वो बहुत अपसर डिटेल स्टार्ट क्लब वीडियो पे है। आपको मिल जाएगा, मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए, जिसको जो जिससे आपको ट्रेडिंग में हेल्प मिल सके, वो सारे वीडियोस आपको बना के दिए हैं, और भी बना रही हूँ, आप देखिए तो सही वो सारे वीडियोस। जरूरी नहीं है कि सारे के सारे आपको पसंद आए, लेकिन हो सकता है कि कुछ आपकी स्टडी के साथ मैच कर जाए, कुछ आपकी स्टडी के साथ मैच नहीं करे। मत देखो, जो आपकी स्टडीज के साथ मैच करे, आपकी रिक्वायरमेंट के साथ मैच करे, आपकी सोच के साथ मैच करे, वो वाले वीडियोस देखो। बस एक जगह मैंने जो सब हम हमेशा इंपॉर्टेंस दिए हर वीडियो में, वो है स्टॉप लॉस को। स्टॉप लॉस कंट्रोल में रखो कि आपकी पॉकेट को कभी तकलीफ ना हो, फिर आप कोई भी रूल बनाओ। गॉट इट मैम। मैम एक विकास का क्वेश्चन है कि फॉर स्विंग ट्रेडिंग 2 to 5 days वी हैव टू सी 10, 30 और 70 minute चार्ट और डेली चार्ट। आई यूज डेली एंड 15 मिनट्स दैट वे, और मैंने इसके ऊपर भी वीडियो बनाया है इंट्राडे स्विंग ट्रेडिंग पे भी, आप लोग देखिए। मैम चलिए ऐसा तुषार करते हैं, नेक्स्ट वीक हम लोग ट्यूसडे को स्विंग ट्रेडिंग पे ही सेशन रख लेते हैं इंट्राडे, तो ग्रेट मैम, आप नोट करके रख लीजिए। आई डोंट मैं नो नोट हाउ ही करने मेनी जा रहा पीपल विल प्रिफर टू लर्न दैट अगेन। नेक्स्ट ट्यूसडे वी विल कीप अस यूट्यूब लाइव ऑन स्विंग ट्रेडिंग। हूँ। ठीक यस, है हाउ मैम, मेनी ऑफ यू ऑल वुड लाइक टू अटेंड? मैंने प्लीज आप सब लिख के बताइए सो दैट कि हमें पता चले कितने लोगों को सीखना है ये। तो उसके हिसाब से रखू ना? हाँ मैम बिल्कुल। हम 2 लोगों का मी आया अभी तक, 3, 4, 5, हाँ 6 आ रहा है मैम, अब आ रहा है। हाँ ठीक है, मैं आप लोग को स्विंग ट्रेडिंग नेक्स्ट सेशन में YouTube लाइव करूंगी। लाइव मार्केट में सिर्फ अपने स्टूडेंट्स के साथ करती हूँ, वेरी वेरी सॉरी। मैम एक और अच्छा क्वेश्चन था तुषार का कि मैम अगले दिन के लिए स्टॉक फिल्टर करने के लिए पैरामीटर, आप क्या पैरामीटर यूज करते हैं? मैं अगले दिन के स्टॉक के लिए भी यही पैरामीटर्स यूज करती हूँ कि मेरे जो RSI का सेटअप है, मतलब मंथली का, डेली का, वीकली का, जो मैंने सिखाया है स्कैनर बनाने के लिए, वो स्कैनर देखिए, उस स्कैनर के अकॉर्डिंग सपोर्ट और रेजिस्टेंस ट्राई करिए कि कौन से स्टॉक सपोर्ट के पास में। जैसे आज का एक स्टॉक मिला था मुझे, अगर आप देखोगे तो ये स्टॉक सपोर्ट के पास में है, तो मैं थोड़ा कुछ तो भाई मैन्युअली भी करती हूँ, यहां से आप कैसे भी इसको बना लो। सपोर्ट के पास में ओपन एंड लो, कल का हाई क्रॉस किया, कल का लो नहीं तोड़ा, तो आई एम फॉर दिस। ऐसे मैं ढूंढती हूँ, इसके बाद ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस बना लेते हैं फॉर ब्रेकआउट। अब अगर ये ब्रेकआउट हो जाता है तो अब ये देखा जाए तो एक पैटर्न टाइप का बन गया, तो फिर मैं इसी ढंग से इसको तैयार करती हूँ कि आई एक्सपेक्ट दिस रेंज ओवर हियर। अगर मैं ये देखूँ, इस तरह से बनाती हूँ, तो ये क्या बनता है? ये प्रीवियस स्विंग हाई का ऑटोमेटिक बन जाता है, राइट? दिस इज हाउ यू कैन अंडरस्टैंड इट। कितना सिंपल हो गया ये बनाना, राइट? बिल्कुल मैम, पिछला राइट। स्विंग हाई, फिर उसका पिछला स्विंग हाई विल बी द कैन बी द टारगेट। दिस वे यू कैन फिक्स, गॉट इट। यू कैन डू इट दिस वे। इट्स सो सिंपल एंड इजी वे टू
फाइंड आउट योर टारगेट्स। मैम काफी लोगों का वो भी सजेशन आ रहा है कि आपसे लाइफ कैसे सीख सकते हैं, तो मैं उनके लिए बता दूं कि आपको जो लाइफ सीखना है उसके लिए मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक पिन कर दूंगा, मतलब या फिर जो स्ट्रीम के बाद कमेंट में उसका लिंक डाल दूंगा। आप मैम से ऑप्शंस भी, टेक्निकल भी एंड स्कैल्पिंग, तीनों चीजें मैम के साथ आप लाइव सीख सकते हो, एंड तीनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में, जैसे स्ट्रीम खत्म होगा तो डिस्क्रिप्शन में और कमेंट में दोनों जगह मिल जाएगा। एंड उसके अलावा अगर किसी को लाइव नहीं सीखना है, दे आर स्टिल इन द बिगनिंग फेज, दे आर और मैं स्टिल, लाइव अपने अकाउंट में ट्रेड करके करती हूँ, अपने अकाउंट हाँ में लाइव ट्रेड करके करती हूँ। और मैम करके मतलब सबके साथ ही ट्रेड, जो सब लेंगे मैम जो लेती है वही सब ट्रेड लेते हैं, उसी के अकॉर्डिंग सब और सीखते वो हैं। ही नहीं, मैं आप लोग को पहले सिखाती हूँ, साथ में आप लोग को पूछती हूँ कि आपने आज क्या ढूंढा, हाँ फिर उसमें बिल्कुल अगर मैम, आपने गलत ढूंढा तो मैं बोलती हूँ देखो इसमें ये आपने गलत ढूंढा, ये वाला ट्रेड मैं नहीं लूंगी, जो मुझे लगता है आपने एकदम सही ढूंढा मैं आपको बताऊंगी ये सही है, और फिर मैं उसमें ट्रेड लेती हूँ, और आप और मैं मुझे जो ठीक लगता है अपनी स्टडी में से वो मैं आपको सामने ट्रेड करती हूँ। दैट इज द वे आई डू, माय माय स्टाइल इज वेरी सिंपल, जो मैं सिखा रही हूँ वैसा ही सेम टू सेम वही स्टाइल है जो मैं लाइव में करती हूँ, देर इज नो डिफरेंस। सो इवन इफ यू डोंट वॉन्ट टू डू यू डोंट डू, ओनली थिंग इज इफ यू विश यू डू, लेकिन जो मैं यहाँ सिखा रही हूँ जो मैंने वीडियोस बनाए हैं सारे फ्री में वो ही सिखाऊंगी जो मैंने आज तक सिखाया है, बट खाली फर्क ये होगा कि वो लाइव मार्केट में होगा, दैट्स ऑल, मैम मुझे याद और है वहां जब पे आप मुझसे डिस्कस कर सकते। हाँ मैम, जब लास्ट हमारा ऑफलाइन सेशन भी हुआ था जो लास्ट बैच का, तो काफी इंटरेक्टिव था और लोगों ने सजेस्ट किया था उस दिन, हालांकि अच्छे ट्रीट्स नहीं मिले थे हमें क्योंकि मार्केट बहुत अच्छा नहीं था उस दिन, बट वो जो इंटरेक्शन था दैट वो इज द डे साथ में होता है, सीखना, हाँ मैम, लेकिन वो साथ में सीखना, वो एक्सपीरियंस, वो बड़ी बात होती है क्योंकि आपसे कोई 30-40 ईयर्स का एक्सपीरियंस एंड आपसे सीखना, दैट इज अ बिग थिंग फॉर एनीवन, जो भी ट्रेडर है, जो भी इस इंडस्ट्री में नए हैं, जो स्टार्ट कर रहे हैं, फॉर एनीवन जिनके पास बेसिक्स हैं बट वो कन्विक्शन नहीं आता, सो प्लीज जाइए सारे चेकआउट कीजिए जो भी मेंटरशिप चलिए नेक्स्ट प्रोग्राम क्वेश्चन हमारे पास क्या है। है। मैम डू यू प्रेफर निफ्टी और बैंक निफ्टी? एक टाइम था जब मैं बैंक निफ्टी से बहुत डरती थी और बिल्कुल ट्रेड नहीं करती थी, और निफ्टी में फिर भी थोड़ा ट्रेड कर लेती थी। अगर मेरी प्रेफरेंस बात करो तो आज भी स्टॉक्स है, क्योंकि मैं वो एरा से हूं वहां पे इंडेक्स ट्रेडिंग नहीं होती थी, इंडेक्स ही नहीं होता था जब मैंने स्टार्ट किया था। इंडेक्स क्या होता था हम लोग इतना देखते भी नहीं थे, और इंडेक्स की ट्रेडिंग तो भूल ही जाओ, 86 में रिंग के अंदर इंडेक्स होता ही नहीं था। ये 2001 में जब एफएनडो स्टार्ट हुआ था तब इंडेक्स ट्रेडिंग इंट्रोड्यूस हुआ था, तो मैं वो एरा से हूँ जहाँ पे स्टॉक ट्रेडिंग को ज्यादा वैल्यू दी, मतलब हमेशा स्टॉक ट्रेडिंग किया, तो मुझे आज भी स्टॉक्स ज्यादा समझ में आते हैं बजाय निफ्टी और बैंक निफ्टी के। फिर भी मैं निफ्टी और बैंक निफ्टी ट्रेड करती हूँ बेस्ड ऑन ओपन इंटरेस्ट एंड ऑप्शन चेन प्लस चार्ट्स, मिक्स ऑफ ऑल थ्री। गॉट इट मैम, आई होप तुषार को उनका आंसर मिल गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैम, मिड कैप निफ्टी को ट्रेड करने के लिए कैसे कर सकते हैं ऑन लिक्विडिटी कंपल? नहीं है भाई मिड कैप, मैंने पहले ही बोल दिया मिड कैप और फिन निफ्टी को मैं नहीं बताऊंगी, बिकॉज वो उसमें क्या है ना लिक्विडिटी एक्सपायरी है और एक्सपायरी के एक दिन पहले आती है, और मैं सेम एक्सपायरी ट्रेड नहीं करती हूँ, मैं नेक्स्ट एक्सपायरी ट्रेड करती हूँ, तो वहां लिक्विडिटी नहीं होती है, मुझे रीडिंग समझ में नहीं आती है। मैम संदीप का क्वेश्चन है कि आप बालाजी टेली फिल्म को देख सकते हैं क्या? इट इज ओके एंड ऑन वीकली चार्ट। नो क्लैरिटी भाई, वॉल्यूम भी नहीं है, देखिए कोई क्लैरिटी नहीं है, सब फ्लैट पड़ा है बिल्कुल, अगर आप देखो तो कोई इसमें मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, क्या देखो बताइए, सब सबकी मुंडी नीचे, सबका मुंह जो है ना अगर आप देखो आरएसआई का भी नीचे है, प्राइस भी नीचे, कहीं कुछ नहीं है, आरएसआई मंथली का भी 50 के नीचे ही है, वीकली का भी 50 के नीचे ही है, डेली का भी 50 के नीचे ही है, तो कहीं मुझे कुछ नहीं दिख रहा है, अगर आप देखो तो खाली ये 10 रुपए के जोन के अंदर, 10 रुपए के जोन के अंदर ही मूव हो रहा है एकदम साइडवेज, सो प्लीज आई विल अवॉइड दिस सच टाइप ऑफ स्टॉक्स।
कल को कोई ब्रेकआउट आ जाए अलग बात है, बट आई विल नॉट, आई डोंट ट्रेड सच टाइप ऑफ स्टॉक्स।